एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में एक लड़की रहती थी और वो कहती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों सूख रहे हो? पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो कल उसे अपने साथ ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया। उस दिन जब वह आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ना बेटी पावनी, तू धौली धौली हो जाएगी। नहीं माँ, आटा तो मैं ही छानूंगी। ऐसा कहकर उसने आटा छानना शुरू कर दिया तो पूरी परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। नहीं, खाना मैं ही बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन तैयार कर दिए। उसने सबको पेट भर के खाना खिला दिया। वे और दिन तो भूखे रह जाते थे, किंतु उस दिन सबने पेट भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया तो वह बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी सोचने लगी, अब तो सबने खाना खा लिया, अब इसे कहाँ से खिलाऊंगी। लड़की बोली, माँ क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है, खाना खाएगा। लड़की रसोई में गई, उसने 36 प्रकार के भोजन फिर से तैयार कर दिए और मामा को जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई यह तेरी भांजी पावनी है, इसी ने बनाया है। मामा खाना खाके चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। वह आधी रात को उठी और उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह उस घर से जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी, तुम्हें करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस लड़की ने उसके घर में भी चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर करके चली गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, ऐसा सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर लक्ष्मी माता दया करे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।